स्टूडेंट, आज हम लोग बीपीएससी मेंस के सेक्शन में आर्ट एंड कल्चर का एक जो सेक्शन है प्रमुख, उस प्रमुख सेक्शन से मधुबनी पेंटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। बीपीएससी मेंस में इससे रिलेटेड लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आज हम मधुबनी पेंटिंग को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि आफ्टरऑल मधुबनी पेंटिंग की क्या विशेषताएं हैं, कितने प्रकार से ये बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो हम लोग अब मधुबनी पेंटिंग को आज शुरू करेंगे। जहां तक इसके शुरुआत की बात उठती है तो कहा जाता है कि ऐसे तो इसकी शुरुआत प्राचीन काल से मानी जाती है और कहा जाता है कि भगवान राम और सीता जी के विवाह के उपलक्ष्य में तत्कालीन समय में जो राजा जनक सीता जी के पिताजी थे, उन्होंने इस विवाह के उपलक्ष्य में अपनी राजधानी को इस पेंटिंग से सुसज्जित कराया था और वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। प्राचीन काल से इसको उस क्षेत्र में, खास करके मिथिला के क्षेत्र में, ये एक प्रमुख कला है और बड़े पैमाने पर ये बनाई जाती रही है। प्राचीन काल में ये कला के अनेक रूप देखने को मिले, आज भी अनेक रूप देखने को मिल रहे हैं और अब तो ये एक व्यावसायिक स्तर को प्राप्त कर चुकी है और देश विदेशों में ये काफ़ी ख्याति प्राप्त कर सकी है। तो इस दृष्टिकोण से आज हम इस मधुबनी पेंटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, मिथिला क्षेत्र की परंपरा है और मुख्य रूप से ये दीवारों पर, फर्श पर, कागज़ पर, कैनवास पर, कपड़ों पर आदि पर बनाए जाते रहा है। जहाँ तक इसकी सामान्य विशेषता की बात करें, मधुबनी पेंटिंग की सामान्य विशेषता की बात करें, तो इसकी विषय वस्तु जो हम देखते हैं, तो मुख्य रूप से इसकी विषय वस्तु पारंपरिक और धार्मिक है, जिसमें कि धार्मिक प्रथाएं, धार्मिक कथाएं, पौराणिक कथाएं, रामायण, महाभारत आदि लोक कथाएं, इन सारी चीज़ों से, पुराणों से विषय वस्तु लेकर और इसको चित्रित करने की परंपरा रही है। जहाँ तक इस परंपरा के विशेषता के संदर्भ की बात की जाए तो मधुबनी पेंटिंग में जो उपयोग किए जाने वाले रंग हैं वो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, प्राकृतिक तौर पर उनको पाए जाने वाले तत्वों से बनाए जाने की परंपरा है और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है, जिसमें कि पौधों से, फूलों से, चारकोल से, काजल से आदि रंगों का को निकाला जाता है और उन रंगों का इस्तेमाल इस पेंटिंग को करने में किया जाता रहा है। विशिष्ट शैली के संदर्भ की अगर जो बात करें, मधुबनी पेंटिंग की शैलियों के संदर्भ में अगर जो हम लोग आगे इसको डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इसमें ज्यामितीय पैटर्न, बारीक रेखाएं, जटिल डिजाइन, आँखों का बड़ा बड़ा बनाया जाना, नाकों को लंबा बनाया जाना, इस तरीके की परंपराएं हमें देखने को मिली है। सामान्य रूप से सामुदायिक योगदान के संदर्भ में इसको बनाए जाने की प्रथा थी, जो आज वैयक्तिक स्तर को प्राप्त कर चुकी है और व्यावसायिक स्तर को भी प्राप्त कर चुकी है, लेकिन मूल रूप से समूह में महिलाओं के द्वारा इसको पहले बनाया जाता था। आज के समय में महिला पुरुष बड़े पैमाने पर इसको बना रहे हैं और व्यावसायिक स्तर पर भी इसका प्रोडक्शन हो रहा है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के अवसर के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। जहाँ तक किन किन मौक़ों पर, किन किन मौक़ों से संदर्भित इन सारी पेंटिंग्स को बनाया जाता था, तो जहाँ तक उसकी बात उठती है तो विभिन्न त्योहारों, जन्म, विवाह आदि के समय ऐसे पेंटिंग्स बनाए जाने की प्रथाएं चल रही थी और ये आज भी चल रही है। प्राकृतिक चीज़ों से भी प्रेरणा ले रही ये पेंटिंग दिखाई देती है, जहाँ पेड़, फूल, पशु, पक्षी और इस तरीके के चित्रांकन किए जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति का प्रकृति के साथ सामंजस्य और संबंध को स्थापित कर पाना संभव हो पाता है और प्रकृति प्रेम को भी इसके द्वारा रूपायित करना संभव हो पाता है। आज के समय में आधुनिक स्तर को ये प्राप्त कर चुकी है और व्यापारिक स्तर को भी प्राप्त कर चुकी है। मधुबनी पेंटिंग अब पौराणिक पेंटिंग के स्तर से बहुत आगे निकल चुकी है और विभिन्न कपड़ों, विभिन्न चीज़ों पर मधुबनी पेंटिंग्स आज के समय में बनाई जाती है। स्वतंत्र रूप से कैनवास पे भी बनाया जाता है और इन पेंटिंग्स का बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं कि व्यावसायिक उपयोग भी हो रहा है और वैकल्पिक रोजगार सृजन के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। ये एक जीवंत कला है, मधुबनी पेंटिंग जो है वो एक जीवंत कला है
जो न केवल भारतीय संस्कृति के धरोहर को संरक्षित करती है बल्कि इसे विश्व स्तर पर पहचान भी दिला रही है, और इस दृष्टिकोण से भी मधुबनी पेंटिंग बहुत ही प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। जहाँ तक मधुबनी पेंटिंग के तकनीक की बात करें, इसके पेंटिंग के तकनीक की बात करें, तो वो बाइफर्केशन करके तो हम आगे इस पर देखेंगे। एक जनरल तकनीक की जो हम बात देखते हैं उसमें मधुबनी पेंटिंग में हमें मुख्य रूप से ऐसे तो इसकी अनेक शैलियां हैं लेकिन भरनी और कच्चनी दो विधियां हमें देखने को मिलती है। और भरनी विधि में पहले चित्रों को बनाया जाता है और फिर उसमें रंगों को भरा जाता है। मधुबनी पेंटिंग में ये कहा जाता है कि खाली कोई भी जगह ना हो वो अशुभ माना जाता है, इसलिए रंगों को प्रॉपरली इस विधि में भरा जाता है। और कच्चनी विधि में बारीक रेखाओं से बनाया जाता है इसको, बारीक रेखाओं से इसको बनाने की परंपरा है, और इस तरीके की स्थिति है। जहाँ तक इसके विषय वस्तु की बात हम पहले भी कर चुके हैं, धार्मिक पौराणिक विषय वस्तु, सामाजिक विषय वस्तु, प्रकृति से रिलेटेड विषय वस्तु पर आधारित इसमें पेंटिंग बनाया जाता है। सामान्य जनजीवन से संबंधित भी पेंटिंग देखने को मिलते हैं जब कृषि कार्य और सामाजिक पहलुओं से रिलेटेड हो। आधुनिक रूप से इसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है जब घरेलू सजावट की वस्तुओं पर, कपड़ों पर, बहुत तरह की चीज़ों पर अब ये पेंटिंग और कैनवास पर शुद्ध रूप से अलग से पेंटिंग बनाकर भी इसका व्यावसायिक इस्तेमाल आधुनिक स्तर पर किया जाता रहा है। महिलाओं की भूमिका इसमें प्रारंभिक तौर पर बहुत उपयोगी थी लेकिन आज के समय में महिला और पुरुष बड़े पैमाने पर इस पेंटिंग को करने में लगे हुए हैं और उसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी हो रहा है। प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग मुख्यतः इसमें किया जाता है और प्रकृति से प्राप्त किए जाने वाले रंग, कूची के लिए बांस, आप कह सकते हैं कि बांस की कूचियों का इस्तेमाल किया जाता है, रंगों के लिए प्रकृति से प्राप्त रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, पलाश के फूलों से, चारकोल से, उसके बाद पत्तियों से हरे रंग का इस्तेमाल, तो इस तरीके से रंगों को निकालने की प्रवृत्ति है। मोटिफ ऑफ डिजाइन भी और डिजाइन भी इसमें अलग तरीके की देखने को मिलती है, अलग अलग आकृतियाँ और अलग अलग डिजाइन देखने को मिलते हैं। कुछ पशु पक्षियों की आकृतियां भी विशेष रूप से इसमें देखने को मिलती है इस पेंटिंग में, खास करके फूलों, मछलियों, मोर, सूर्य उगता हुआ, ये सब प्रतीकात्मक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसका कि विशिष्ट अर्थ होता है, जिसे हम आगे देखेंगे कि इन सारे प्रतीकात्मक दृश्यों का क्या विशिष्ट अर्थ होता है। मधुबनी पेंटिंग बनाए जाने के पहले सबसे पहले बॉर्डर बनाया जाता है और उसी बॉर्डर के अंदर उस पेंटिंग को फिट करने की कोशिश की जाती है बॉर्डर के अंदर, और इस तरीके से पेंटिंग के चारों तरफ जटिल और विस्तृत बॉर्डर बनाए जाने की परंपरा है। और इस बॉर्डर में आमतौर पर इस बॉर्डर में भी फूल पत्तियों और ज्यामिति आकृतियों का इस्तेमाल किया जाता है बॉर्डर बनाने पर भी। विरासत और संरक्षण के दृष्टिकोण से देखें तो आज विभिन्न गैर सरकारी संगठन और सरकार के स्तर पर भी इसको संरक्षण प्राप्त हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मधुबनी पेंटिंग को एक अलग पहचान मिल चुकी है। मधुबनी पेंटिंग के संदर्भ में कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, इसके संदर्भ में पेंटिंग के संदर्भ में शिक्षाएं दी जाती है, सिखाने के लिए अलग अलग तरीके की कक्षाएं आयोजित की जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और प्राचीन काल से आज के समय तक मिथिला के क्षेत्र के संदर्भ को अगर जो हम देखें तो वहाँ पर प्रमुखता से इस पेंटिंग को देखने की प्रवृत्ति है, बनाने की प्रवृत्ति है। इसमें रेखाओं का अत्यधिक महत्व है, बारीक रेखाओं का इस्तेमाल होता है और जटिल डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं, ज्यामिति आकृतियों को बनाया जाता है, फूलों को डिजाइन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अन्य बारीक चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, प्रकृति से प्राप्त रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों, देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं का भी इस्तेमाल इस रंग इस मधुबनी पेंटिंग में देखने को मिलता है। मधुबनी पेंटिंग में जैसा कि मैंने पहले भी कहा खाली स्थान छोड़ने की परंपरा नहीं है। माना जाता है कि मधुबनी पेंटिंग में यदि खाली स्थान रहता है तो उसे अशुभ माना जाता है, इसलिए इसको सामान्य तौर पर भर ही दिया जाता है। सिम्बॉलिज्म की अगर जो इसकी बात करें तो विभिन्न प्रकार के सांकेतिक अर्थ होते हैं, जैसे मछलियों को समृद्धि और प्रजनन का प्रतीक माना जाता है, बांस की टहनियों को लंबी आयु का प्रतीक के रूप में रूपायित किया जाता है, शांति के रूप में रूपायित किया जाता है, चित्रों पर विस्तृत बॉर्डर फूलों की आकृति और ज्यामितीय आकृतियों के साथ इसको रूपायित किया जाता है। तो ये एक सामान्य विशेषता मधुबनी पेंटिंग के संदर्भ में आपको देखने को मिली। अब इसकी विशिष्ट शैलियों की अगर जो हम चर्चा करें कि मधुबनी पेंटिंग की
विशिष्ट शैलियाँ और क्या क्या देखने को मिल रही है, तो ये मुख्य रूप से 5 शैलियों में विभाजित दिखाई देता है मधुबनी पेंटिंग, जिसमें कि भरनी विधि, कचटनी विधि या कच्चनी विधि इसको कहते हैं, तांत्रिक विधि भी है, तांत्रिक शैली है, शैली की बात हम कर रहे हैं, तांत्रिक शैली, गोदना शैली और कोहबर शैली। तो ये प्रमुख रूप से 5 प्रकार के चित्रों को बनाने की स्थिति, 5 शैलियों में बनाने की स्थिति हमें मधुबनी पेंटिंग में दिखाई देती है। और इस दृष्टिकोण से हम देखें तो भरनी विधि जो है वो एक विशेष विधि है, जिसमें कि चमकदार रंग और जटिल डिजाइनों का प्रयोग करते हुए धार्मिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित किया जाता है, जिसमें कि देवी देवताओं, वनस्पतियों, जीवों और अन्य तरह की चीज़ों को चित्रित किए जाने की परंपरा है। जीवंत और चमकदार रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, बॉर्डर बनाकर उसमें जो भी चीज़ बनाना है उसकी आकृतियाँ खींच दी जाती है और फिर उस आकृति को खींचने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों को भर दिया जाता है और इस कारण से इसको भरनी विधि के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक कचटनी विधि की बात की जाए, कचटनी विधि भी इसको कहते हैं, इस शैली में महीन रेखाओं और एकल रंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अनेक रंगों का भी प्रयोग हो सकता है लेकिन कचटनी विधि में एकल रेखाओं, आपको मैंने पहले भी बताया कि इसमें रेखाओं से चित्र बनते हैं और एकल रेखाओं का इस्तेमाल होता है, एक ही कलर के रेखाओं का सामान्य तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एकल रंगों का प्रयोग होता है। मुख्यतः काले और सफ़ेद रंग व्यापक पैमाने पर इस विधि में प्रचलित होते हैं। ज्यामिति आकृतियां विस्तृत रूप से इसमें इस्तेमाल की जाती है और इस तरीके से ये कचटनी विधि बड़ी ही प्रमुखता से बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग में। तीसरी विधि है वो तांत्रिक शैली है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि तांत्रिक विषय वस्तु पर बनाई जाने वाली ये विधि है, शैली है। इसमें धार्मिक और तांत्रिक प्रतीकों से संबंधित बनाया जाता है, तस्वीर बनाया जाता है, पेंटिंग की जाती है। इसमें देवी देवता, यंत्र और गूढ़ प्रतीकों का इस्तेमाल करने की परंपरा तांत्रिक शैली में देखने को मिलती है मधुबनी पे। चौथी जो शैली है वो गोदना विधि है। गोदना ऐसे भी सामान्य तौर पर बिहार के लोग समझ ही रहे होंगे कि ये एक टैटू प्रथा है, मिथिला क्षेत्र में प्रचलित ये टैटू प्रथा है जो सामान्य तौर पर मिथिला के क्षेत्र में पारंपरिक टैटू कला से प्रेरित है। इसमें शरीर के टैटू में उपयोग किए गए मोटिव और पैटर्न शामिल होते हैं जो मोनोक्रोमेटिक पैलेट से में चित्रित किए जाते हैं। मुख्यतः काले रंगों से इसका निर्माण होता है, शरीर के किसी स्थान पर इसको चित्रित किया जाता है। मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि इसका भी विषय वस्तु वही है जो पहले की चीज़ों में हमें देखने को मिलती है। और एक पांचवी जो शैली है वो है कोहबर शैली। कोहबर शैली, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये विवाहोपरांत कोहबर जो होता है उससे रिलेटेड है, नव विवाहित जोड़े के रहने के स्थान पर इसको चित्रित करने की प्रथा है और इस शैली में विवाह समारोह में उपयोग की जाती है। खासकर प्रेम और उर्वरता के विषयों को चित्रित किया जाता है, जिसमें कमल, बांस के झुरमुट, पक्षियों की आकृति, राधा कृष्ण जैसे दिव्य युगल के चित्र शामिल होते हैं। मुख्य रूप से आप कहें तो इसमें आप कह सकते हैं वंश वृद्धि और प्रजनन क्षमता, इन तमाम चीज़ों, प्रेमात्मक दृश्य, इन दृश्यों को चित्रांकित किया जाता है और ये कोहबर शैली के नाम से जाना जाता है। इन पांचों शैलियों को पूरी समृद्धि के साथ अगर जो आप देखें तो मधुबनी पेंटिंग की समृद्धि और विविध विरासत को आकार इन पांचों शैलियां मिलकर देती है, जिसमें मिथिला के क्षेत्र के अनूठी सांस्कृतिक और कलात्मक तत्वों को उभारा जा सका है और जाता रहा है। आगे अगर जो हम बात करें इसके मधुबनी पेंटिंग के प्रकार की, तो मधुबनी पेंटिंग मुख्य रूप से दो तरीके से किया जाता है, मुख्य रूप से दो तरीके से, दो प्रकार का हमें देखने को मिलता है प्रकार के दृष्टिकोण से अगर जो इसकी हम चर्चा करें तो। और ये है, आप देखें, भीति चित्रकला, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि भीति चित्र मतलब दीवारों पर बनाया जाता है, और दूसरा अरिपन विधि है। ये दो विधियाँ हैं मुख्य रूप से, वो शैलियाँ थी 5 मधुबनी पेंटिंग की और ये दो मुख्य विधियाँ हैं मधुबनी पेंटिंग की जो कि बनाया जाता है। इसमें सामग्रियों और तमाम चीज़ों के आधार पर इसको बाइफर्केट किया गया है और इस दृष्टिकोण से ये भित्ति चित्र,
और अरिपन विधि के नाम से जाना जाता है। हाँ, भीति चित्र पुनः दो भागों में गोसनी और कोहबर के रूप में देखने को मिलता है, जिसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक समझ भी लिया है। तो अब हम लोग चलें कि भीति चित्र अर्थात दीवार चित्रकला की क्या विशेषता हो। जैसा कि आपने मधुबनी पेंटिंग की सामान्य विशेषताओं को देखा है, वैसे ही इसमें भी जो रंगों का इस्तेमाल होता है वो मुख्य रूप से प्रकृति से प्राप्त रंगों का इस्तेमाल होता है। मुख्य रूप से अगर जो देखें तो लाल, हरा, नीला, पीला, काला और सफ़ेद रंगों का इस्तेमाल होता है। लाल प्रत्येक रंग के लिए अलग अलग प्रकृति से प्राप्त सामग्रियों को इसमें इस्तेमाल किया जाता है और रंग बनाया जाता है। जैसे पीले रंग के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, लाल रंग के लिए कुसुम के फूल का इस्तेमाल किया जाता है, काले रंग के लिए काजल या फिर चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है, हरे रंग के लिए विभिन्न प्रकार की पत्तियों के रसों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से प्रकृति से प्राप्त रंगों का इस्तेमाल इस विधि में किया जाता है। ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं, त्रिकोण बनाए जाते हैं, वृत्त बनाए जाते हैं। इसके बाद मोटिफ ऑफ डिजाइन में फूल, पत्तियाँ, जानवर, पक्षी, देवी देवताएँ आदि को बड़े पैमाने पर रूपायित किया जाता है, चित्रांकित किया जाता है। और बारीक जटिल रेखाएं भी बड़े पैमाने पर बनाई जाती है, जिसमें कलम बेंत जो एक विशेष प्रकार का बांस है उससे इस्तेमाल किया जाता है, कलम बनाया जाता है उस बांस से, कूची बनाई जाती है। और कलम इतना बारीक होता है कि उससे बारीक रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे कि ये ज्यामितीय प्रकार के रूपांकन कर सकने में सक्षम हो पाते हैं। थीम, जैसा कि हमने कहा पहले भी, जो मधुबनी पेंटिंग की सामान्य विशेषता है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। धार्मिक और पौराणिक विषय हैं, राम सीता का विवाह, राधा कृष्ण, रासलीला, शिव पार्वती आदि का चित्रण, प्रकृति में सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, फूल, जानवर आदि का चित्रांकन, सामाजिक त्यौहार और समारोह से संदर्भित विवाह, जन्म और अन्य सामाजिक घटनाओं को चित्रांकित करने की कोशिश है। तकनीक में पहले बारीक रेखाओं को चित्र बनाया जाता है रेखाओं से, फिर उसमें उसको भर दिया जाता है। कई एक रंगी होते हैं और कई बहुरंगी भी देखने को होते हैं। चित्रों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें अनेक प्रकार के ज्यामितीय सजावट और फूलों की आकृतियां बनाई जाती है, जिससे ये और सजे हुए दिखें। अब के कालखंड में बड़े पैमाने पर ऐसे इस विधि को तो दीवार पर ही बनाया जाता है, लेकिन अब इस विधि का रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा कागज, कपड़ा आदि पर भी। हालांकि मुख्य रूप से चूंकि ये भीति चित्र के रूप में इसको हम देख रहे हैं, तो ये दीवार पर बनाई जाती थी। ब्रश और कलम के लिए बेंत का कलम, बारीक ब्रश, कपास की सुई, कपास से सुई बनाया जाता था जिससे बारीक पेंटिंग की जा सके, तो इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था। संरचना और फ्रेमिंग के संदर्भ में पेंटिंग के चारों तरफ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक फ्रेम बना दिया जाता है, फिर उसमें चित्र बनाए जाते हैं जो भी डिज़ाइन आपको बनाना है। और इस संदर्भ की अगर जो सांस्कृतिक महत्व की बात करें इन पेंटिंगों की, तो आप देखेंगे कि विवाह और त्यौहार, परंपरागत सारी चीज़ें और भीति चित्रकला और इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भीति चित्रकला। जैसे कि भीति चित्रकला की यह सामान्य विशेषता हम लोगों ने देखी, जो मधुबनी पेंटिंग की सामान्य विशेषता से मिलती ही जुलती है, बहुत ज़्यादा उसमें फर्क नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बनावट के संदर्भ में व्यापक अंतर आपको देखने को मिलेगा भीति चित्रकला और अरिपन विधि में। सबसे पहले तो जैसा कि भीति चित्रकला है तो उसके लिए दीवार की ज़रूरत होती है, तो दीवार पर पेंटिंग की जाती है, उसके लिए दीवार को चिकना और साफ किया जाता है। दीवार पर मिट्टी की पतली परत पहले चढ़ाई जाती है और कभी कभी चूने की भी परत चढ़ा दी जाती है और फिर उसको सूखने दिया जाता है। इस तरीके से उसका आधार निर्माण करने की कोशिश होती है, फिर दीवार पर चूने के लेप लगाकर उसको सूखने दिया जाता है और इस तरीके से उसका आधार निर्मित हो जाता है। अब वो दीवार पेंटिंग के लिए तैयार है। इस तरीके के चूने के लेप से वो पेंटिंग काफ़ी समय तक अक्षुण बनी रहती है, इसलिए भी चूने के लेप चढ़ाए जाने की प्रथा है। ठीक है, तो इस तरीके की स्थिति हमें देखने को मिलती है। फिर कोयले या पेंसिल के स्केच से डिजाइन और रूपरेखा बनाई जाती है। यह रूपरेखा साधारण और स्पष्ट होती है, जिसमें कि पेंटिंग के अंतिम चरण में रंग भरना आसान हो जाए। बिल्कुल क्लियरली सारे डिजाइन बना दिए जाते हैं कोयले के उससे स्केच के रूप में इसको बना दिया जाता है। इसके बाद प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके पौधों, फूलों से जो प्राप्त होती है उससे फिर इसको भरने की स्थिति होती है। इन प्राकृतिक रंगों में, जैसा कि हमने पहले भी कहा
कि लाल रंग कुसुम के फूलों से लिया जाता है, बनाया जाता है, हरा रंग बेल के पत्ती से बनाई जाती है, पीला रंग हल्दी और पीपल के वृक्ष से पाए जाने वाले तत्वों से मिलता है, काला रंग जली हुई लकड़ी और काजल से होता है, सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करते हैं, ये चावल को बारीक पीसकर चावल के आटे से ये रंग तैयार करते हैं। फिर जब ये सब सारी चीज़ें तैयार हो जाती है, उसके बाद पहले डिजाइन की रूपरेखा को काले रंग से अस्थायी रूप दे दिया जाता है और फिर उसके अंदरूनी हिस्सों को विभिन्न रंगों से भर दिया जाता है और बहुत ही धैर्य और सावधानी से इसको भर दिया जाता है। जहाँ तक उपकरण की बात करें तो बारीक ब्रश और बेंत की कलम का उपयोग होता है, उंगलियों का प्रयोग रंगों को भरने के लिए किया जाता है और पेंटिंग के डिजाइन को अधिक आकर्षक और जीवंत बनाने के लिए बारीक डिटेलिंग की जाती है। तो इन तमाम तरह की चीज़ों से पेंटिंग को परिपूर्णता के साथ बनाए जाने की प्रथा इसमें है। मोटिव और प्रतीक को भी इसमें व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। देवी देवता, पौराणिक कथाओं का दृश्य, रामायण, महाभारत, पेड़ पौधे, फूल, जानवर, पक्षी, स्थानीय रीति रिवाज, त्यौहार, विवाह, दैनिक जीवन, इन सारी चीज़ों से संबंधित चित्रों को बनाया जाता है इस भीति चित्रकला के संदर्भ में। ठीक है, अंतिम चरण में जब ये पेंटिंग पूरी तरह से भर दी जाती है, सारी चीज़ें इसमें डाल दी जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है, तो फिर इसको सुखाया जाता है। पेंटिंग की लंबी उम्र के लिए इसका अच्छे से सूखा होना बहुत ही आवश्यक है और जब ये सूख जाता है, तैयार हो जाता है, तो इस तरीके से ये पूरी तरह से बना हुआ माना जाता है और ये भीति चित्रकला के रूप में तैयार मानी जाती है। आप देखते होंगे मिथिला के क्षेत्र में या आज तो संपूर्ण देश में कई जगहों पर आपको दीवारों पर पेंटिंग देखने को मिलेगा। पटना में भी आपको मधुबनी पेंटिंग दीवारों पर देखने को मिलेगा। अनेक शहरों को सुसज्जित करने में, अनेक भवनों को सुसज्जित करने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से इस विधि का इस्तेमाल करके ये बनाया जाता रहा है। अब अगर जो हम बात करें अरिपन विधि की, तो ये एक अलग विधि है। अरिपन विधि मिथिला के क्षेत्र में प्रचलित है और इसमें दियों, रंगोली, अल्पना के रूप में इसकी आकृति बनाई जाती है और विशेष अवसरों पर, खास करके त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों पर बनाई जाती है। अरिपन विधि की संपूर्ण विशेषता को अगर जो हम देखने की कोशिश करें तो उपयोग में लाए जाने वाले वस्तुओं को सबसे पहले समझें। इसमें चावल का आटा प्रमुख चीज होता है। चावल का आटा, जिसको कि अरिपन भी हम कहते हैं, चावल के आटा को ही अरिपन कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा अरिपन विधि। तो चावल के आटा का उपयोग होता है। चावल के आटे को पानी में घोलकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है। पारंपरिक रूप से केवल सफ़ेद रंग का उपयोग होता है, लेकिन पारंपरिक प्राचीन काल में सिर्फ सफ़ेद रंग का इस्तेमाल हो रहा था पारंपरिक रूप से, लेकिन अब इसमें आधुनिक समय में अन्य प्राकृतिक और सिंथेटिक रंग का भी इस्तेमाल मधुबनी पेंटिंग में देखने को मिल रहा है, जो आज के मांग के डिमांड के आधार पर किया जा रहा है। सबसे पहले भूमि को गीली मिट्टी से लीप कर साफ किया जाता है, फिर उस पर चावल के आटे से बने पेस्ट को उंगलियों या ब्रश से विभिन्न डिजाइनों में बनाया जाता है। अरिपन में ज्यामितीय पैटर्न, धार्मिक प्रतीक, प्राकृतिक प्रतीक जैसे फूल, पत्ते, जानवर, ये सारी डिजाइनें बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। और अगर जो कहें तो यह दियों को दर्शाने वाले प्रतीक होते हैं, जो प्रकाश और आध्यात्मिकता को रूपायित करते हैं, जिसमें कि ज्योति स्तंभ बनाए जाने की परंपरा है। अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, प्रमुख प्रमुख डिजाइन। ज्योति स्तंभ जो है वो दियों को दिखाने वाला प्रतीक होता है, जो प्रकाश और आध्यात्मिकता का प्रतीक के रूप में बनाया जाता है। कमल के फूल एक पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। स्वास्तिक बनाया जाता है, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। पौड़ियाँ और पंखुड़ियाँ बनाई जाती है, यह समृद्धि और जीवन की गतिशीलता का प्रतीक है। तो इस तरीके से अनेक प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है जिसका प्रतीकात्मक अर्थ होता है और सामाजिक और मिथिला के क्षेत्र के जीवन, या आप कह सकते हैं कि विभिन्न परंपरा के संदर्भ में इसका व्यापक महत्व देखने को मिलता है। प्रयोग और महत्व के दृष्टिकोण से अगर जो इसको हम देखें तो धार्मिक अनुष्ठान में इसका प्रयोग होता है। अरिपन विधि का उपयोग पूजा स्थलों, मंदिरों और घरों में धार्मिक अनुष्ठानों के समय किया जाता है। विवाह, जन्मदिन जैसे विभिन्न अवसरों पर अरिपन बनाए जाते हैं, ये शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के संदर्भ में इसको बनाया जाता है, महिलाएं बनाती हैं, हालांकि अब तो पुरुष भी व्यापक पैमाने पर कलाकार काफ़ी हद तक इसमें सम्मिलित हो चुके हैं और वो काफ़ी हद तक बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं।
जहाँ तक तकनीक की बात की जाए तो अरिपन विधि में हाथ का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिससे रंगों को बनाया जाता है। इसमें उंगलियों का मुख्य रूप से उपयोग है और चावल के आटे का पेस्ट चूंकि जल्दी सूख जाता है और लंबे समय तक टिकाऊ रहता है, बना रहता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सांस्कृतिक पहचान की यदि हम बात करें इस अरिपन विधि की, तो अरिपन विधि मिथिला की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और इसकी पारंपरिक मान्यताओं और रीति रिवाजों को दर्शाता है। कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में महिलाओं की रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति को रूपायित करता है। अरिपन विधि की ये विशेषताएं उसे अनूठी और एक समृद्ध मधुबनी पेंटिंग कला शैली को अभी तक चलाए रखने में रूप में एक बहुत बड़े योगदान के रूप में देखने को मिलता है। जहाँ तक मधुबनी पेंटिंग की हमने अभी बात की, हमने कहा मधुबनी पेंटिंग की सामान्य विशेषताएं क्या है, कैसे कैसे बनाया जाता है, क्या क्या बनाया जाता है, किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, कितनी शैलियों में बनाई जाती है और कितने प्रकारों में बनाई जाती है। अब मधुबनी पेंटिंग के दार्शनिक पक्ष को भी हमें देखना होगा और समझना होगा कि मधुबनी पेंटिंग के विभिन्न चिन्ह जो बनाए जाते हैं, विभिन्न जो सारी चीज़ें बनाई जाती है, इसके दार्शनिक पक्ष क्या हैं, किस तरीके से ये हमसे दार्शनिक रूप से जुड़ा है और किन चीज़ों को अभिव्यक्त करता है। तो अगर जो हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष है, जिसमें कि धार्मिक कथाओं का बड़े पैमाने पर रूपायन किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग की प्रमुख विषय वस्तु अगर जो कही जाए तो पौराणिक धार्मिक कथाएँ ही हैं, जिसमें कि बड़े पैमाने पर चित्रों का चित्रांकन किया गया है। रामायण, पुराण, महाभारत आदि से दृश्य बनाए गए हैं, देवी देवताओं का चित्र बनाया गया है, यज्ञ और अनुष्ठान का बड़े पैमाने पर चित्रांकन किया गया है, विवाह जैसे दृश्यों को दिखाया गया है, सामाजिक जीवन को रूपायित करने की कोशिश की गई है, त्यौहार समारोह और लोक कथाओं, लोक परंपरा, कृषि दृश्यों को बड़े पैमाने पर रूपायित करने की कोशिश की गई है। तो एक तरीके से आप कहें तो मधुबनी पेंटिंग बड़े पैमाने पर मिथिला के क्षेत्र के, तत्कालीन मिथिला के क्षेत्र के सामाजिक धार्मिक जनजीवन को बड़े पैमाने पर रूपायित करने का एक प्रमुख जरिया था और आज भी चला आ रहा है। हालांकि आज ये बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और व्यावसायिक स्तर को भी प्राप्त हो चुका है। जहाँ तक सामाजिक संदेशों की बात करें तो महिलाओं को विशेष रूप से इनको पुस्त दर पुस्त करके ये कला सीखती चली आई और उनकी रचनात्मकता को रूपायित करने की कोशिश है। एक तरीके से कहें तो महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण के रूप में भी हम ले सकते हैं कि जब महिलाएं बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन कर रही थी और आज भी कर रही हैं, हालांकि आज पुरुष भी कर रहे हैं, प्रकृति से प्रेम को दिखाता है, महिला सशक्तिकरण को रूपायित करता है। और प्रतीकवाद की अगर जो हम बात करें, तो हमें कमल के फूल से अलग अलग प्रतीकों से, अलग अलग चिन्ह से हमें कुछ अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती है, जिसमें कमल का फूल जो है शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। मछलियां समृद्धि और प्रजनन का प्रतीक मानी जाती है। सूर्य और चंद्रमा निरंतरता और समय के प्रतीक के रूप में रूपायित किए जाते रहे हैं। पक्षी और जानवर विभिन्न गुणों और संदेशों को लेकर आते हैं और इस तरीके से मधुबनी पेंटिंग में जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं उन सभी चीज़ों का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व है, प्रतीकात्मक अर्थ है और जो व्यक्ति उस अर्थ को समझता है वो इस मधुबनी पेंटिंग को की व्यापकता को समझ सकने में सक्षम हो पाता है। जहाँ तक मधुबनी पेंटिंग की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो आज के कालखंड में देखी जा रही है उसकी बात करें तो अगर जो हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सरकार के द्वारा इसको संरक्षण भी दिया जा रहा है। भारत सरकार और बिहार राज्य सरकार ने मधुबनी पेंटिंग को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कलाकारों को वित्तीय सहायता दी जा रही है, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्रदर्शनियों का आयोजन हो रहा है जहाँ इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को लगाया जाता है और वो सेल होता है, मार्केट अवेलेबल कराने की कोशिश सरकार के द्वारा हो रही है, जिससे आज ये व्यावसायिक स्तर तक प्राप्त कर सकने को सक्षम हो सकी है। ये सरकार का एक बड़ा ही अच्छा प्रयास है। शिल्प मेले और प्रदर्शनियाँ इसके लिए आयोजित की जाती है, सरकारी स्तर पर भी किया जाता है, गैर सरकारी स्तर पर भी किया जाता है, जिससे इनकी इस कला को व्यापक मान्यता प्राप्त हो सकी है और आज ये देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में मधुबनी पेंटिंग और उस पेंटिंग के किए गए, मधुबनी पेंटिंग अलग रूप में और मधुबनी पेंटिंग के विभिन्न प्रकार के कपड़े और अन्य सामग्रियां अब तो पॉटरीज वगैरह पर भी ये रूपायित की जाने लगी हैं और बड़े पैमाने पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये देखने को आज मिल रही है। कलाकारों को बड़े पैमाने पर आप कहें
तो कलाकारों को न केवल बिहार सरकार मधुबनी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकारों को प्रशिक्षण दे रही है, स्नातक और परा स्नातक जैसे डिग्रियां भी मिल रही हैं, और साथ साथ बहुत सारे कलाकारों को बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाने की प्रथा है ताकि वो प्रोत्साहित किया जा सके इस कला को, और पद्म भूषण तक इसके कलाकार प्राप्त कर सके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है सरकारी स्तर पर इस कला को, आप कह सकते हैं मधुबनी पेंटिंग को एक तरीके से कहें तो बड़े पैमाने पर इसको संरक्षित सुरक्षित और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के संदर्भ में सरकार का बड़ा ही व्यापक प्रयास देखने को मिलता है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर जो हम देखें तो आज रोजगार सृजन में मधुबनी पेंटिंग का एक बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। स्थानीय कलाकार रोजगार के अवसर के रूप में इसको देख रहे हैं, स्थानीय महिलाएं समूह बनाकर बड़े पैमाने पर मधुबनी पेंटिंग को कर रही हैं और उसके प्रोडक्ट्स बाजारों तक जा रहे हैं सरकारी प्रयास और गैर सरकारी प्रयासों से, और वो उनके वैकल्पिक रोजगार का साधन बन रहा है, व्यावसायिक स्तर को प्राप्त हो सका है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है, महिलाओं की कल्पनाशीलता महिलाओं की सृजनशीलता को बढ़ावा मिल रहा है और वो अपने पैर पर खड़ी हो रही हैं अपनी इस कला को जो प्राचीन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी इनके तकाई और आज व्यावसायिक स्तर को प्राप्त करके ये बड़े पैमाने पर इसको हासिल कर रहे हैं, आर्थिक संदर्भ को भी हासिल कर रहे हैं। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियाँ उत्सव आदि मनाए जाते हैं और वैश्विक मान्यता आज मधुबनी पेंटिंग को प्राप्त हो चुकी है। इसके उत्पाद खास करके कपड़े घरेलू सजावट के सामान आदि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक में बिकने लगे हैं और ये बड़े पैमाने पर सरकारी प्रयास और गैर सरकारी प्रयास के कारण ही संभव हो सका। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनेस्को ने मधुबनी पेंटिंग को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहचान दी है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके संरक्षण के लिए सहयोग किया जा रहा है। शैक्षणिक और शोध संस्थान बड़े पैमानों पर खासकर विदेशों में कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो शोध संस्थान के रूप में मधुबनी पेंटिंग पर अध्ययन करा रहे हैं और शोध कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से बड़े पैमाने पर इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और लगातार निरंतर ये आगे बढ़ती चली जा रही है और एक बड़े पैमाने पर कहिए कि अपनी संस्कृति को रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक कलाकारों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात उठती है, इसके कलाकारों की बिना पहचान मिले रिकग्निशन के उसको बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके कलाकारों को बड़े पैमाने पर पुरस्कार प्राप्त हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है इस तरीके के पुरस्कारों को किया जा रहा है। भारतीय और विदेशी कलाकारों के बीच सहयोग बढ़ाने के मधुबनी पेंटिंग से संदर्भित प्रयास भी किए जा रहे हैं, विदेशों में रह रहे लोग भी मधुबनी पेंटिंग से जुड़ रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और कुल मिला जुला कर अगर जो हम बात करें तो मधुबनी पेंटिंग, यदि हम इसको कंक्लूड करें तो मधुबनी पेंटिंग मिथिला के क्षेत्र में प्रचलित वहाँ की एक पेंटिंग शैली है जो मुख्य रूप से जिसकी शुरुआत बहुत ही पौराणिक मानी जाती है, राम जी और सीता जी के विवाह के समय से मानी जाती है। विभिन्न शैलियों के रूप में ये चली आ रही, विभिन्न प्रकारों के रूप में चली आ रही आज मधुबनी पेंटिंग न केवल उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है, सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ा रही है, तमाम दार्शनिक पक्षों को अगर जो हम देखें तो यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि मधुबनी पेंटिंग न केवल प्रकृति पूजा को बढ़ावा देती है बल्कि पौराणिक सांस्कृतिक गतिविधियों से हमारा लगाव बढ़ाती है, ज्यामितिक चीज़ों को रूपायित करके सिम्बॉलिज्म की तरफ हमें आगे बढ़ाती है, और इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हुए मधुबनी पेंटिंग न केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ा रही है बल्कि बड़े पैमाने पर आज रोजगारोन्मुखी रोजगार परक स्थिति को प्राप्त कर सकी है। और इसमें हमारे देश की सरकार, हमारे राज्य की सरकार, हमारे देश की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है जो आज विदेश के स्तर तक भी इस पेंटिंग को बड़ी व्यापक पहचान प्राप्त हो सकी। धन्यवाद अशोक।